किसी की मौत के बाद उसका श्राद्ध और बरसी करना सामान्य बात है, लेकिन मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने खुद के जीवित रहते ही खुद ही अपना श्राद्ध और अब बरसी भी मनाई है। जिले के सकरा प्रखंड के भरतीपुर के 75 साल के बुजुर्ग हरीश चंद्र दास ने पिछले साल खुद से अपना श्राद्ध किया था। इस साल उन्होंने अपनी बरसी मनाई है। इस कार्यक्रम में पूरा गांव भी शामिल हुआ। बरसी की पूजा, भजन कीर्तन, सिर मुंडवाने से लेकर भोज तक के सारे नियम अपनाए गए। हरीश चंद्र दास की उम्र 75 साल है और वो जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। उन्हें शंका रहती है कि उनके मरने के बाद उनके बेटे सही से उनका श्राद्ध नहीं करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने खुद से ही अपना श्राद्ध और बरसी भी मनाई है। इस विषय में आप सुन लीजिए कि ये 75 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो अपने अंतिम संस्कार को और अब बरसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सुनने में आया कि आप अपना श्राद्ध स्वयं कर रहे हैं। यह स्वयं पर साल 2021 में किए थे 15 नवंबर का, इस बार तिथि पड़ गया है 4 नवंबर का। हमारे बरसी किए हैं। अच्छा, बरसी हो रहा है। हाँ, बरसी किए हैं। खुद का श्राद्ध खुद से कर रहे हैं। हाँ, पर साल श्राद्ध किए थे 2021 में 15 नवंबर का, अभी 4 नंबर का पड़ गया है बरखी तिथि से अनुसार से, तो अपन बरखी कर लिया। हमारा सब काम क्लियर हो गया। क्या कारण है कि खुद से श्राद्ध कर रहे हैं? हम अपना खुद से, हम बाबा जी है, हम साधु है, साधु अपने हाथ से बाजार श्राद्ध कर लिए हैं। किसी को नहीं, हम तो मठ में भी ओकरे में, हम तो घूमने वाला आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिचंद्र दास। पंचायत भरतीपुर, वार्ड नंबर 1। तो आपने इस बुजुर्ग को सुना जिन्होंने बताया कि पिछले साल 15 नवंबर को उन्होंने अपना श्राद्ध किया था। तिथि के अनुसार इस साल 4 नवंबर यानी शुक्रवार को उन्होंने अपनी बरसी मनाई है। हरिश्चंद्र दास ने पूरी विधि विधान से अपनी यह बरसी मनाई है। पहले उन्होंने सिर मुंडवाया, फिर सफेद धोती पहनी, बाद में उन्होंने पंडित से पूरी विधि विधान से मंत्र भी पढ़े, फिर जो दान की प्रक्रिया होती है वह भी पूरा की गई। देर शाम तक सारे नियम पूजे किए गए, जिसके बाद रात में भोज का आयोजन भी किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी और गांव के अन्य सदस्य भी शामिल थे। जीवित रहते खुद अपना अंतिम संस्कार और बरसी करने के कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह साधु संत हैं और वो अपना सारा काम खुद ही करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी श्राद्ध और खुद से ही बरसी मनाई है। और पिछले साल उन्होंने 15 नवंबर को अपनी श्राद्ध की थी और इस बार तिथि के अनुसार 4 नवंबर को वो अपनी बरसी मना रही है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।